वर्ल्ड कप की तारीख में पाकिस्तान को पहली बार एक इवेंट में मुसलसल चार मैचेस में शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स को छह में से आखिरी चारों मैचेस में नाकामी। फाइनल फोर की दौड़ में इन रहना मिशन इम्पॉसिबल बन गया। अगर मगर का खेल शुरू, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए कौमी टीम को अपने बकिया तीनों मैचेस जीतने के साथ दूसरी टीमों पर भी इन्हिसार करना होगा। पॉइंट्स टेबल पर साउथ अफ्रीका पहले नंबर पर आ गया, भारत का दूसरा और न्यूजीलैंड का तीसरा नंबर, ऑस्ट्रेलिया चौथे, श्रीलंका पांचवें और पाकिस्तान छठे नंबर पर मौजूद। आम इंतखाबात का शेड्यूल 30 नवंबर को जारी करने का फैसला किया गया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 28 जनवरी को पोल डे मुकर्रर किए जाने का इम्कान है, क्योंकि 28 जनवरी को जो दिन बनेगा वो इतवार का होगा और एक तो छुट्टी होगी और दूसरा फिर ज्यादा टर्नआउट के लिए भी इस तारीख का जो है वो तजवीज पेश की गई है। फिलहाल जो ये है की क्योंकि जनवरी का आखिरी हफ्ता उन्होंने तय कर दिया है। 92 न्यूज की खबर की तस्दीक, इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तारीख 28 जनवरी 2024 तजवीज कर दी। सुप्रीम कोर्ट को दो रोज बाद तहरीरी तौर पर आगाह करेगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुजवजा तारीख पर इंतखाबात की तैयारियां शुरू। 92 न्यूज 17 अक्टूबर को आम इंतखाबात 28 जनवरी 2024 को कराने की तजवीज की खबर ब्रेक कर चुका। तहरीक इंसाफ का मज़ाहमत के बजाय मुफाहमत की सियासत का फैसला। मौलाना फजल रहमान के बाद तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों से भी राबतों का फैसला। इंतखाबात से कबल और पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर गौर शुरू। हतमी फैसला आज वीडियो लिंक इजलास में होगा। APC में नून लीग समेत तमाम जमातों को मद्दू किया जाएगा। बैठक में बर वक्त इंतखाबात के नकाद समेत तमाम जमातों को भरपूर हिस्सा लेने के मवाक़े का मुतालबा किया जाएगा। ज़राए का दावा, मौलाना फजल रहमान से मिलने वाले 5 रुकनी वफ़द ने वजाहत भी पेश कर दी। कहा कि सियासी माहौल को साजगार बनाने के लिए मुलाकात नागुजीर थी। जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी के खिलाफ करप्शन और बदउनवानी की शिकायत। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर नकवी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 10 नवंबर तक तहरीरी जवाब तलब। साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ रेफरेंसेस नाकाबिले समाअत होने पर खारिज। ज़राए के मुताबिक साबिक चेयरमैन नैब के खिलाफ रेफरेंस दायर किए जाने के वक्त सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इंक्वायरी का फोरम नहीं था। नैब कवानीन में तरामीम के बाद 2022 से चेयरमैन नैब के खिलाफ शिकायत का फोरम सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है। साइफर केस में चेयरमैन PTI की जमानत और मुकदमा अखराज की दरख्वास्तें मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत 23 अक्टूबर के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत के फैसले में मुदाखलत नहीं कर सकती। मुलजिम के शफाफ ट्रायल के हक से इनकार नहीं, मगर ट्रायल कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से किसी किस्म का तासुब जाहिर नहीं होता। फैसले में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा कि साइफर क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट है जिसे गैर मजाज अफराद के साथ शेयर नहीं किया जा सकता। चेयरमैन PTI बतौर वज़ीर आज़म साइफर को जलसे में लहराते रहे। चेयरमैन PTI की आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना की दलील भी मुस्तरद। अडियाला जेल में भी साइफर केस की समाअत सरकारी गवाहों के बयान रिकॉर्ड ना हो सके। मौशी बहरान का शिकार PIA को भंवर से निकालने की कोशिशें। ECC की PIA को 8 अरब रुपए के फंड्स देने की मंजूरी दे दी। उधर ईंधन की कमी के बायस आज भी PIA की 58 परवाजें उड़ान न भर सकी। 11 दिन में मनसूख की गई परवाजों की तादाद 537 हो गई। PIA ने PSO को मरकजी 10 करोड़ रुपए अदा कर दिए। PIA की निचकारी और असासाजात की फरोख्त का मामला कौमी एयरलाइन के मुतादिद असासों की मालिक सिविल एविएशन अथॉरिटी निकली। तर्जमान सिविल एविएशन अथॉरिटी कहते हैं कि अराजी बेचने या किराए पर देने का इख्तियार सिर्फ सिविल एविएशन अथॉरिटी को है। PIA के पास मौजूद 168 एकड़ अराजी CA की मिल्कियत है। सिविल एविएशन अथॉरिटी अपनी प्रॉपर्टी खाली कराने के लिए कई बार PIA हुकाम को लेटर लिख चुकी है। तर्जमान PIA का कहना है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी को प्रॉपर्टीज का किराया अदा किया जाता है। गैर कानूनी तारीख ने वतन की मोहलत में सिर्फ 3 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक इनखला नागुजीर। 1 नवंबर से कानून हरकत में आएगा, जो वापस नहीं जाएगा उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। निगरान हुकूमत के डेडलाइन में तौसी देने से साफ इनकार। निगरान वजीर आजम ने बावर करा दिया कि अफगानिस्तान से रिश्ता नहीं तोड़ेंगे, लेकिन शहरियों के तहफ़ के लिए इकदाम नागुजीर है। अनवारुल हक काकड़ ने अफगानिस्तान से कालदम TTP की दर अंदाजी याद दिला दी।
निगरान वजीर आला पंजाब के निगरान वजीर आला के हमरा हंगामी दौरे। मोहसिन नकवी कहते हैं यकम नवंबर के बाद किसी गैर कानूनी गैर मुल्की को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पीर को चार माह का बजट भी पेश करने का ऐलान कर दिया। वजीर आला ने रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट का हंगामी दौरा किया। काम की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत। निगरान वजीर आला ने बंद रोड कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर का दौरा किया। मोहसिन नकवी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड भी पहुंचे। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी आज खानीवाल में पंडाल सजाएगी। जलसे की तैयारियां जारी। 100 फुट चौड़ा और 40 फुट ऊंचा स्टेज बनाया जाएगा। 20,000 से ज्यादा कुर्सियां लगाई जाएंगी। चेयरमैन आईपीपी जहांगीर तरीन बजरिया हेलीकॉप्टर जलसागाह पहुंचेंगे। तर्जमान फिरदौस आशिक अवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया कि जलसा तारीखी होगा। आईपीपी सियासत को नया रुख देने जा रही है। जनूबी पंजाब के अवाम को कभी हक नहीं मिला, उनके हकूक का तहफ्फुज़ करेंगे। निगरान वजीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी कहते हैं सिर्फ गैर कानूनी अफराद को निकालने का फैसला किया गया। कानून के मुताबिक कोई भी पाकिस्तान में रह सकता है और कारोबार कर सकता है। गैर कानूनी अफराद के सहूलतकारों का भी पता है, दूसरे मरहले में उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। प्रोग्राम 92@8 में गुफ्तगू करते हुए सरफराज बुगटी ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ को जिन हालात में भेजा गया वो तारीख का हिस्सा है। 3 बार मुल्क के वजीर आजम रहने वाले के साथ अच्छा रवैया इख्तियार नहीं किया गया। इलेक्शन से मुतालिक सदर आरिफ अलवी और मौलाना फजल रहमान के खदशात का जवाब देते हुए निगरान वजीर दाखिला ने कहा कि सदर आरिफ अलवी की बात से इतफाक नहीं करता। पहले भी जनवरी में इलेक्शन हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन के ऐलान के मुताबिक इंतखाबात कराने के लिए तैयार हैं। हमारे पास नंबर्स हैं, हमने जियो फेंसिंग की है, हमने जियो मैपिंग की है, हमें पता है कि कौन सा इलीगल अफगान शहरी किस देहात में किसका बसगर है, हमें पता है कि किसने उसको फ्लैट दिया है, हमें पता है कि वो कहाँ कहाँ उन्होंने बस्तियाँ बनाई हैं। तो ऐसा नहीं है कि रियासत के रडार से कोई आउट है। जहाँ तक मियाँ साहब की वापसी का ताल्लुक है, देखिए उस मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, वो पाकिस्तान की सियासत में वापस आए हैं। जिन हालात में उनको यहाँ से भेजा गया है वो भी तारीख का हिस्सा है। जिस बदतरीन अपोजिशन का उन्होंने सामना किया है वो भी तारीख का हिस्सा है। तो अगर वो वापस आ गए हैं और इस मुल्क में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है उनको वेलकम ही करना चाहिए। मुझे प्रेसिडेंट साहब के खदशात दुरुस्त नहीं लगते। मुझे लगता है कि इस मुल्क में अगले 2 से 3 महीनों में 4 महीनों में इलेक्शंस हो जाएंगे। 2007 में जो इलेक्शंस हुए थे वो सर्दियों में हुए थे, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली द ईयर। सर्दियों में मुश्किलात तो हमारे जनूबी अज़ला में होती है, बलूचिस्तान के मशरकी अज़ला में, मुल्क के जनूबी अज़ला में मसाइल तो हैं, लेकिन जाहिर है वो इलेक्शन कमीशन ने सोचना है, उनका काम है, वो इस पर सोच विचार कर रहे होंगे। गवर्नमेंट तो जब इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगी हम तैयार हैं।